जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीएसईबी की तरफ से एक और एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। बीएसईबी यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक और एग्जाम कंडक्ट कर रही है जो कि डीएलएड के एडमिशन को लेकर। अब ये एडमिशन क्यों है सर, भर्ती क्यों नहीं है? क्योंकि तो भर्ती इसलिए नहीं है, जैसे कि आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए। सपोज मान लीजिए कि आपने जो है आईआईटी का एग्जाम दिया, क्यों? क्योंकि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो उसी तरह यहाँ पर आपको जो है डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करने के लिए आपको यहाँ पे एडमिशन लेना होता है किसी भी संस्था में या इंस्टीट्यूशन में या किसी कॉलेज में। अब यहाँ पे आपको ये एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? तो ये एक प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अब जैसे ही आपका यहाँ पर एग्जाम क्लियर होगा, आप एग्जाम पास करेंगे, आपको बिहार के बेस्ट, अगर आपका मार्क्स अच्छा रहा तो बिहार के बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। अब वहां पे जो आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे, 2 या 3 राउंड चलता है यहाँ पे आपके एडमिशन का, तो इसमें आपको जो है वो इंस्टीट्यूट मिलते हैं जिससे कि आपका एडमिशन होता है, आप डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। तो ये है डीएलएड के बारे में जानकारी। अब ये इसका एग्जाम हम क्यों देते हैं, क्यों एडमिशन लेते हैं? क्योंकि आप शिक्षक बन सके। तो शिक्षक बनने का जो भी छात्र सपना देख रहे हैं क्लास 1 से लेकर 8 तक के लिए, वो डीएलएड कर सकते हैं। अब इसके लिए योग्यता और क्या होनी चाहिए, तो आपका या तो 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास के बाद डीएलएड करते हैं तो आप यहाँ पर 1-5 के शिक्षक बनते हैं। अगर आप यहाँ पे डीएलएड का कोर्स ग्रेजुएशन के साथ करते हैं, मतलब कि डीएलएड कर लिए या ग्रेजुएशन कर लिए या ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर रहे हैं, तो आप क्लास 1-8 तक के शिक्षक बन सकते हैं। तो ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी में आप शिक्षक बनने के लिए डीएलएड करते हैं। अब शिक्षक बनने की पात्रता क्या होती है ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसके लिए जो आप फॉर्म आज ओपन हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है ताकि आप जो है इसकी कंपटीशन में बैठ सके, इसका एग्जाम दे सके, एग्जाम क्लियर कर सके और आप एडमिशन ले सके। तो चलिए इन सब के बारे में सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, और सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहले इसकी विज्ञप्ति को देख लेते हैं, और विज्ञप्ति आपको कहाँ मिलेगी वो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आपको डीएलएड के इस प्रतियोगिता एग्जाम को लेकर जो है मॉक टेस्ट दिए गए हैं, आप मॉक टेस्ट जाके एप्लीकेशन पे दे सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो के लिंक के साथ साथ इसका पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप भी अपने दोस्तों के ग्रुप में। तो दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आज से इसका फॉर्म भरने का जो है लिंक एक्टिवेट हो गया है। आप इसको यहां से रजिस्ट्रेशन न्यू पे क्लिक करके यहां से फॉर्म आज से भर सकते हैं। पहले इस विज्ञप्ति को यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ लीजिएगा। इसके लिए 2 तारीख से लेकर जो है 15 तारीख तक के बीच में आपका फॉर्म भरा जाएगा, जिसके लिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये प्रशिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु यहाँ पे एक शैक्षणिक योग्यता है। मैंने आपको बोला ना कि एक योग्यता है, जैसे सीटेट एसटीईटी क्या होता है, पात्रता परीक्षा होती है, पर यहाँ पे ये योग्यता है। जैसे कि आपका 12th का कोर्स हो गया, 10th का कोर्स हो गया या ग्रेजुएशन का कोर्स हो गया, वो क्या है, योग्यता है। तो इसी तरह ये भी एक योग्यता है। इसको करने के लिए आपका जो है 10+2 अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा आपको पास होनी होती है। जैसे कि आपने 12th पास किया है तो 50% अंकों के साथ आपका 12th होना चाहिए। डीएलएड के पाठ्यक्रम में आपको प्रवेश पत्र करने के लिए पहली पात्रता है। नामांकन हेतु आरक्षित कोटि निषद यानी कि जो भी पीएच कैटेगरी से आते हैं उनको 5% की इसमें छूट मिलती है, यानी कि वो 45% से भी पास है 12th अपना तो अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ आपका मौलवी में, अगर आप मौलवी की पढ़ाई करते हैं तो उसमें 50% के साथ आपका जो होना चाहिए तभी आप जो है डीएलएड दे सकते हैं। डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकते हैं जो कि वर्ष 2024 की जो है 12th पास कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे वर्ष 2024 में 12th पास कर चुके हैं, अथवा उसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होंगे। यानी कि जो अभी आज से देखिए 2 तारीख है, आज से 12th का एग्जाम भी हो रहा है, तो वो छात्र भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अपियरिंग वाले भी, ध्यान रखिएगा। लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन यानी कि जो आपका होते समय जब आपका एडमिशन होगा उस समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और वो 50% के साथ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको 5% की छूट भी मिलेगी, यहाँ पे अंक उत्तीर्ण होते हैं और वैसे अभ्यर्थी जो कि आरक्षित श्रेणियों में आते हैं 5% का छूट उनको मिला है। तो ये तो जानकारी हो गई यहाँ पे कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की यहाँ पे अपडेट दी गई है कि कम से कम 17 साल आपका होना चाहिए जनवरी 2024 तभी आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं।
प्रवेश की प्रक्रिया क्या है भाई, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे दिया गया है जो कि मैंने आपको बताया है। आप इस फॉर्म को भरेंगे, इसके बाद आपका एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद आपका मेरिट यानी कि मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में आपका जो है जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संबंधित इंस्टीट्यूट है या अध्यापक शिक्षण संस्थान है जहाँ पे आपकी प्रारंभिक शिक्षा हो सके, यानी गेट क्या कहलाता है, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाता है, इसमें आपका नामांकन हो सके। बिहार सरकार के आरक्षण के नियमों के अनुसार सरकार के द्वारा उर्दू तथा कला वाणिज्य और विज्ञान के विषयों के लिए निर्धारित स्थान पर और अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए जो लिए गए प्राथमिकता यानी कि कॉलेज का च्वाइस है वो दृष्टिपथ में रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटरकृत रूप से अभ्यर्थियों का महाविद्यालय आवंटन किया जाता है। तो ये एडमिशन का प्रोसेस हो गया, मैंने आपको जैसे बताया वैसा ही है। यहाँ पे आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मेधा सूची जो आएगा उसमें आपको नाम ऊपर रहेगा तो आपको सरकारी भी मिल सकता है और गैर सरकारी भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिसमें कि आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे उर्दू कला यानी कि आर्ट्स और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स और विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थियों के द्वारा महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता को, ये जो आप एग्जाम देंगे इसमें जो आपका कॉलेज च्वाइस मांगा जाएगा फॉर्म भरते समय, उसमें अगर आपका आता है मार्क्स उतना तो आपका उसमें मिलेगा, नहीं तो फिर आपको और भी कॉलेज या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड होता है जिसमें कि कॉलेज मिल जाता है आपको। आरक्षण का लाभ देखिए यहाँ पे बिहार के छात्रों को मिलेगा, है ना, ये वर्टिकल रिजर्वेशन भी चलता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी चलता है। तो यहाँ पे डीएलएड यानी कि 2 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अनुसूचित जाति एससी एसटी और बीसी ओबीसी और ईबीसी जो है जो या आर्थिक रूप से कमजोर है वैसे लोगों के लिए 20%, 2%, 18% और 25% और 10% क्रमशः है सीमा का आरक्षण यहाँ पे निर्धारित किया गया है, ये आपके एडमिशन को लेकर, ठीक है। और उसी तरह जैसे क्षैतिज आरक्षण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी कैटेगरी में सीट ज्यादा है उस कॉलेज में, उस कैटेगरी में सीट नहीं भर पाए तो वो जनरल कैटेगरी को चला जाता है, तो उस अनुसार वहाँ पे वो जनरल की सीटें कहलाती है, ठीक है। आइए प्रवेश पत्र के बारे में समझते हैं, प्रवेश परीक्षा के बारे में समझते हैं, एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट क्या है। तो यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा जो कि कंप्यूटर पे टेस्ट होगा आपका ये। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो कि बहुविकल्पिक होते हैं और इस परीक्षा को आपको पास करना होता है। प्रवेश परीक्षा की अवधि जो होगी आपका 2.5 घंटे का यानी कि लगभग 150 मिनट का होगा और यहाँ पे जो भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो सामान्य हिंदी या उर्दू से संबंधित होंगे, गणित से संबंधित होंगे, विज्ञान से संबंधित होंगे, सामाजिक विज्ञान से होंगे, सामान्य अंग्रेजी से होंगे और आपके लॉजिकल या रीजनिंग से होंगे, यहाँ पे लॉजिकल या एनालिटिकल रीजनिंग से होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके जो प्रश्नों की संख्या होगी और यहाँ पे निर्धारित इसके अंक दिए गए, यानी 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स को दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग की बात की गई है तो यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉर्म भरने के लिए आपको 960 रुपये लग रहा है और जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के या दिव्यांग कैटेगरी के छात्र है उनसे 760 रुपये लग रहा है इसके फॉर्म को भरने को लेकर। आवेदन करने की तिथि क्या है तो ये देखिएगा, यहाँ पर आप जाइएगा वेबसाइट पे जो कि मैंने आपको दिखलाया है, इस विज्ञप्ति में सारी जानकारी दी गई है, 15 तारीख लास्ट डेट है इसका। और फिर उसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा, अगर आपका मार्क्स बिल्कुल सेम आ जाता है ना, छात्रों के बिल्कुल सेम आ गया है तो उस अनुसार उसके अनुसार देखिएगा, तो नॉर्मलाइजेशन जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल वहां पे किया जाएगा और आपको सीट भी मिल सकती है अगर आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अच्छा आ गया तो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए क्योंकि ये एक से ज्यादा शिफ्टों में परीक्षा होती है इसलिए अंक देने के लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ये तो बात होगी। अब फॉर्म को कैसे भरना है इसकी जानकारी यहाँ दी गई है और परीक्षा शुल्क कितना लगा है मैंने आपको बता दिया। इससे पहले कि आपको बता दें कि इसमें 100 KB का जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, है ना, 20 से 100 KB के बीच में आपका फोटो वगैरह होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, फोटोग्राफ का साइज आपका भी इतना होना चाहिए, 10 से 50 KB का सिग्नेचर का साइज होना चाहिए, तो ये सब कुछ दिया गया इसके बारे में। प्रमाण पत्र कौन कौन लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेंगे, मैट्रिक का प्रमाण पत्र जहां से आपका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जा सके, इंटर का प्रमाण पत्र अगर आप नहीं है तो उसके अंक मतलब नहीं है तो आप वहाँ पे फॉर्म भरते समय एक एलिजिबिलिटी दी गई है कि आप अपियरिंग है वो बताना है आपको। अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो उसके लिए आपको निर्गत प्रमाण पत्र जो कि कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, ओबीसी या ईबीसी से है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा आरक्षण दावा के लिए। और जो महिलाएं हैं उनको अपना जो भी क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र देती हैं तो पिता के नाम के या उनके पति के निर्धारित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, उनके पति के नाम से नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा, दिव्यांग है तो दिव्यांग का, ये सब कुछ जो है आपके जो है ब्लॉक लेवल पे बनता है सर्टिफिकेट, ये आप बनवा लीजिएगा, वो आप डाल सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ बताया, वही फॉर्म भर के बताऊंगा मैं सब कुछ, ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी और कोई भी अपडेट यहाँ पे चाहिए तो इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, एनसीटीई को ही फॉलो करता है यहाँ पे, बीएसईबी भी, तो यहाँ पे आपको एनसीटीई का गाइडलाइन जो भी रहेगा इस एग्जाम को लेकर वो तय करके आपको बताया जाए,
अब आते हैं यहाँ पे दोस्तों हम। अब आपको इस पेज पे आना है, इस वेब पेज पे, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही आपको फॉर्म भरना है जैसे कि आप लोगों ने सक्षमता परीक्षा या बीएससीबी एसटीईटी का फॉर्म भरा था। नाम आपको बताना है यहाँ पे अपना, जो भी मैट्रिकुलेशन में नाम दिया है। इसके आगे मिस्टर मिसेस डॉक्टर मत लगाइएगा, कंफर्म कीजिएगा फिर से नाम डाल के यहाँ पे। ईमेल एड्रेस आपको बताना है जो कि एक्टिव रह सके आपके टिल एग्जामिनेशन तक, आपकी एडमिशन तक। मोबाइल नंबर भी आपको ऐसा डालना है कि यहाँ पे आपको एक्टिव रह सके। फिर एक पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, पासवर्ड ऐसा क्रिएट कीजिएगा जिसमें कि एक स्पेशल कैरेक्टर डाला हो, एक स्मॉल लेटर हो और एक कैपिटल लेटर हो और कुछ नंबर्स, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे डालना है पासवर्ड। उसको याद रखिएगा, उसको लिख के कहीं रख लीजिएगा और फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे अपना ओटीपी, आपको आएगा मैसेज आएगा, एक ओटीपी मोबाइल पे आएगा, इसको डाल के यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। ओके, अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो है उन जो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए हैं वो डालना है, पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट किया है, और लॉग इन कर लेना है। आइए हम लॉग इन करते हैं। कुछ इस तरीके से जो है आपका ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन, ये आपका फॉर्म दिखेगा, फिर इसको डाउनलोड करने का एक अपडेट आएगा जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे, एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिखेगा, और आपका यहाँ पे चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन आएगा, आप पासवर्ड भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मांगा जा रहा है, ये मांगा जा रहा है बीएसईबी यूनिक आईडी, यानी कि अगर आपने पहले भी कोई एग्जाम दिया है इसका, मतलब डीएलएड का एग्जाम दिया है पहले, तो आपको जो रिजल्ट आया होगा उस पर एक यूनिक आईडी होगा, तो वो डाल दीजिएगा, चाहे आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं डाल जरूर दीजिएगा। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं या हैं आप, नेशनलिटी इंडियन रहने दीजिएगा। मदर का नेम यहाँ पे आपको डालना है, फिर अब उनको री एंटर करना है, फिर फादर नेम, फिर री एंटर करना है फादर का नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर री एंटर करना है डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा कि आप कितने साल के हैं यहाँ। ओके, अब आपको यहाँ पे जो है ना ये पूछेगा, क्या पूछेगा यहाँ से, तो ये पूछेगा आपकी कैटेगरी, आपका डोमिसाइल, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे तो डाल ही दिया है आपने, है ना। आपका डोमिसाइल पूछेगा, तो आप बिहार के स्टेट के हैं तो यस कीजिएगा। जैसे ही आपको यहाँ पे बोलेगा कि अब यहाँ पे आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। कैटेगरी बताइए किस कैटेगरी में, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जो भी अपना यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, उसको रीसेलेक्ट करना है। फिर आपको जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से हैं तो ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ एनसीएल वाला ही सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है, ठीक। अगर यहाँ पे आपने एससी एसटी से हैं, आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है। ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे रेसिडेंशियल पहले और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। सिर्फ ओबीसी वाले छात्र या ईबीसी वाले जो छात्र होंगे, अगर एनसीएल है उनका तो एनसीएल वाला, नहीं है तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे, ठीक है। फिर डू यू बिलोंग टू पीएच कैटेगरी, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर आप होंगे तो आपको यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे यस कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा ये अपडेट करने के लिए, किस कैटेगरी में आपका पीएच कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी है ये बताना है, फिर उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। फिर पूछेगा आपसे कि आर यू अ डिपेंडेंट ऑन सन ऑफ द, यहाँ पे जो भी एक सर्विस मैन में या डिफेंस में लोग रहे हैं, है ना, उनसे संबंधित है आप, तो यस कीजिएगा, उसके बारे में उनका जो है डिटेल देना होगा यहाँ पे, ठीक है। या रिटायर्ड पर्सन से हैं, जो भी लोग डिफेंस में काम कर चुके हैं उनके बारे में, अगर आप हैं, जैसे कि किसी के मदर फादर जो हैं वो डिफेंस में कार्य कर चुके हैं या संबंधित हैं उनसे, तो इस यहाँ पे यस और नो करके जवाब दीजिएगा। यहाँ पूछेगा कि हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट इन 12th लेवल, तो आपको बताना होगा यस और नो में क्लिक करके कि आप पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे पूछेगा यही सेम चीज पूछेगा दोबारा फैकल्टी के बारे में, तो आप बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, मतलब किसकी फैकल्टी के लिए आपको यहाँ पे टीचर बनना है, साइंस आर्ट्स या साइंस कॉमर्स में, तो सपोज मान लीजिए कि आप कॉमर्स के मतलब फैकल्टी बनेंगे, फिर इससे आपको यहाँ पे रीसेलेक्ट करना होगा कॉमर्स। और यहाँ पे पूछेगा कि वेदर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइएगा यस कि आप पास है, नहीं पास है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका इसका डिटेल नहीं मांगा जाएगा, आप अपियरिंग कब है उसके बारे में आपको बताना होगा, तो अपियरिंग पे यस जरूर कीजिएगा, ये नो कीजिएगा तो आप एलिजिबल नहीं होइएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपियरिंग वालों को सिर्फ यहाँ पे मौका दिया जाता है। अगर आप पास हैं तो यस कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नेम ऑफ बोर्ड, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स,
डिवीजन परसेंटेज डाल के आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, मैट्रिक का भी और इंटरमीडिएट का भी। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आइएगा तो ये अपलोड भी करना है आपको, ठीक है, ये आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पे जो है अपना परमानेंट एड्रेस डालना है ना, और उसके कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ है तो वो भी डाल दीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। फिर उसके बाद जो है आपको अपना यहाँ पे जैसे ही एड्रेस डालेंगे, एड्रेस डालने के बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगा, आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर जरूर डाल दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये फिर अपलोड करने को भी मांगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अपना जो है फोटो डालना है पासपोर्ट साइज, यहाँ पे आपको सिग्नेचर डालना है पासपोर्ट साइज, है ना, सॉरी सिग्नेचर वाला जो है साइन डालना है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर भी दिखेगा इस साइड लास्ट में, है ना, और ये इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा। अगर आपका सारा डिटेल डाला हुआ सही है तो ठीक है, नहीं तो आप सेव पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको फिर से कह दूं कि अभी आप फॉर्म मत भरिए, थोड़ा सा रुक जाइए, एक दो दिन आज से ही फॉर्म भराना शुरू हुआ है, और इस तरह के साथ इसको सेव कर लीजिएगा भले ही, है ना। और फिर आपको जाना होगा कहाँ पे, तो ये एक्नोलॉजमेंट स्लिप पे, और यहाँ से आपको अपना पेमेंट करना होगा। देखिए यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखेगा, वैसे तो मैंने अभी यहाँ पे किया नहीं है, यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखेगा यहाँ से, और पेमेंट का ऑप्शन भी आएगा कि किसके जरिए आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो फोन पे हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, इसके जरिए आप पेमेंट कर दीजिएगा। मैंने बताया आपको 960 रुपये लग रहे हैं, और जो कैटेगरी में है उनसे 760 रुपये लग रहे हैं। फिर उसके बाद इसका प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा, इसका प्रिंट ले लीजिएगा पेमेंट का भी, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये वाला जो सेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं दोस्तों, ये 15 जनवरी तक इसका फॉर्म भर सकते, 15 फरवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके बारे में जानकारी जरूर दी जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।